नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, अब तक हमने आपको जो जानकारी दी है GDS रिजल्ट के बारे में, वो अब तक बिल्कुल सही रही है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बहुत से लोगों ने सवाल किया है, मैसेज में कर रहे हैं, सर सेकंड लिस्ट क्या है, सेकंड लिस्ट कब आएगी, क्या इसका प्रोसीजर है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको जो भी आपके डाउट है सेकेंड लिस्ट को लेके, वो सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। और बाकी कुछ लोगों के मैसेज ये भी आए हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है। कुछ सर्कल्स का मुझे डिमांड आ रही है कि यूपी सर्कल के बारे में बात नहीं करते हैं, महाराष्ट्र के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ राजस्थान के बारे में बात करते हैं, हरियाणा के बारे में बात करते हैं, पंजाब के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद उत्तराखंड के बारे में बात करता हूँ। तो हाँ दोस्तों, जिन सर्कल का रिजल्ट आने वाला होता है, मैं उन्हीं सर्कल की बात करता हूँ। अभी के सर्कल के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, तो उसकी सॉरी उसके बारे में मुझे कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो जिन राज्यों के बारे में जानकारी है, मैं उनकी ही बात करता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे GDS की जो सेकेंड लिस्ट है वो क्या है उसके बारे में। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि सेकेंड लिस्ट आती है क्या, इसका प्रोसीजर होता है क्या, इसमें टाइम लगता है। तो दोस्तों, आइए इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सेकंड लिस्ट तभी आती है अगर कोई कैंडिडेट अगर सिलेक्ट हुआ हो, वो उसे छोड़ के जाता है जॉब को, उस केस में सेकंड लिस्ट आ सकती है और ये आती है। तो दोस्तों, सेकंड लिस्ट कब कब आएगी? दोस्तों, जैसे कि कुछ सर्कल का रिजल्ट आ गया है, उसके बाद उन सर्कल को एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है कि आपका डॉक्यूमेंट 15 से 20 दिन में सबमिट हो जाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को अगर जॉब पसंद नहीं होती है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते, और उस तरह से उसके बाद होता ये है कि जो लोग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं करवाते, उनके एक बार कॉल करके पूछा जाता है कि आपने जॉब करनी है या नहीं। अगर वो मना करते हैं, तो उसके बाद जो उसके लिस्ट में जो सेकंड पोजीशन पे जो भी होता है, उसको वो एक कॉल करके या मैसेज करके इसकी जानकारी देते हैं, या ये वेबसाइट पे इस रिजल्ट को डाल देते हैं। और दोस्तों, जो उसकी दूसरी जो उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि किसी ने अगर बीपीएम की कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करना था, लेकिन उसने मेल डिलीवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, तो अगर वो 15 दिन के अंदर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाता, तो उसके बाद क्या होता है? होता ये है कि उसको कॉल आती है पोस्ट डिपार्टमेंट से कि आप जॉब क्यों नहीं करना चाहते। अगर वो कहता है कि मैंने जॉब करनी है लेकिन मुझे बीपीएम की पोस्ट चाहिए, तो अगर किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे कोई बीपीएम छोड़ के चला गया हो, उन लोगों को वहाँ पे प्रेफर किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, कब आएगी अगली कट, ये जो है लिस्ट है सेकंड लिस्ट कब आती है? तो दोस्तों, मैंने आपको वजह से बताया है कि ये जो एक प्रोसेस होती है इसकी, अगर कैंडिडेट नहीं जाते हैं, कैंडिडेट इसमें नहीं, इसको ये अप्लाई जिन्होंने किया था, वो सेलेक्ट जो हुए हैं, वो इसमें नई जॉब नहीं करना चाहते, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते, उसके बाद सेकंड लिस्ट जारी की जाती है। दोस्तों, इसमें भी कुछ टाइम लग जाता है, अगर जैसे कि जब प्रोसेस पूरी हो जाती है, उसके बाद इसमें 15 से 20 दिन ये और लेते हैं सेकंड लिस्ट को अपडेट करने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से सेकंड लिस्ट बनती है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो इसके बारे में, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें। और जो मैंने आपको बता दिया है कि 3 राज्यों के रिजल्ट आने ही आने हैं, वो राज्य है हमारे पास पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया और राजस्थान हो गया, अगले 3 सर्कल है। उसके बाद जो 20 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएंगे, वो होंगे महाराष्ट्र का होगा हमारे पास। मैं यहाँ यही बात करता रहा हूँ कि महाराष्ट्र का रिजल्ट अभी इसके बाद आएगा, और बाकी यूपी का अभी कोई चांसेस नहीं है रिजल्ट आने के, बहुत अभी लेट हो जाएगा। यूपी का रिजल्ट अभी मार्च महीने तक आएगा, और इस तरह से रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और इस तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। जिन लोगों ने सब्सक्राइबर किया किया है चैनल को, उनके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हमारा ये परिवार सिर्फ 9,000 सब्सक्राइबर पे पहुंचा है, तो दोस्तों बहुत जल्द मुझे आशा है कि हम 10,000 सब्सक्राइबर पार कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी फैमिली के साथ जुड़ें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।